फ्रेंड्स, दिस इज राजेश। वेलकम्स यू इन दिस वीडियो एंड वेलकम्स यू इन गेट मास्टर्स। गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम स्पाइरल कॉलम का डिजाइन पढ़ेंगे। कल हमने रेक्टेंगुलर कॉलम का डिजाइन पढ़ा था और आज हम लोग स्पाइरल कॉलम का डिजाइन करेंगे, ठीक है। और ये जो है आज का जो लेक्चर है, ये एक कॉलम का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद कल से हम लोग फुटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फुटिंग अच्छे से हम लोग मतलब उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जैसा हमने अभी तक पढ़ा है। और उसके बाद फुटिंग के बाद हम लोग स्लैब स्टार्ट करेंगे और स्लैब को कंप्लीट करके आरसीसी जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उसके बाद प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो जनरली ये जो है 25th यानी 25वां लेक्चर है। तो 25वां लेक्चर लगभग हमारे पास कितना जाएगा इसको तो बताना वैसे अभी देखिए क्या होता है, कितना लेक्चर जाता है। फिर उसके बाद अभी हम लोग सबसे पहले स्पाइरल कॉलम स्टार्ट करते हैं। और स्पाइरल कॉलम आपको पता है स्पाइरल कॉलम क्या होता है। स्पाइरल कॉलम में मेनली जो उसका शियर रिइंफोर्समेंट यानी कि ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट जो उसमें यूज किया जाता है वो क्या होता है, स्पाइरल होता है, ठीक है। इसीलिए उसका नाम स्पाइरल स्पाइरल कॉलम हमने उसका नाम रखा है, ठीक है। तो जो कंप्रेशन मेंबर जो होता है हमारा, कंप्रेशन मेंबर मीन्स एक तरह कॉलम को भी, कॉलम हमारा कंप्रेशन मेंबर होता है। तो कंप्रेशन मेंबर जो होता है और उसमें अगर हम लोग लेटरल टाई में के फॉर्म में अगर हम यहाँ पे स्पाइरल अगर यूज किए, स्पाइरल के फॉर्म में अगर यानी कि हेलिकल रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं, स्पाइरल भी बोल सकते हैं, हेलिकल भी बोल सकते हैं। अगर हेलिकल रेनफोर्समेंट वहां पे प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसका स्ट्रेंथ कितना बढ़ जाता है, तो 5% उसका यानी कि रेक्टेंगुलर से 5% स्ट्रेंथ इसका बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया है, जैसे बोला गया है इसमें कि वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल रेनफोर्समेंट यानी कि स्पाइरल रेनफोर्समेंट उसमें कितना यूज किए उसका वॉल्यूम। आपको पता है जो रेनफोर्समेंट होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो सिलेंडर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू उसका लेंथ, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो यही है स्पाइरल रेनफोर्समेंट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर। कोर क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा जो है स्पाइरल कॉलम है, ठीक है। उसमें हमने ये बनाया, ये जो बाहर का पूरा कवर है उसको हम लोग सेल कंक्रीट बोलेंगे। और उसके अंदर का जितना में हमारा स्पाइरल रेनफोर्समेंट है जिससे बंधा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर, ठीक है। तो कोर का वॉल्यूम लेना है, उसको डिवाइड करना है, यानी कि स्पाइरल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कोर का वॉल्यूम। इसका वैल्यू जो है वो इसके 0.36 इंटू एफ सी के बाई एफ वाई इंटू एजी बाई एसी माइनस वन। एजी क्या है, एजी इज द ग्रॉस एरिया, ठीक है। एजी ग्रॉस एरिया है और एसी जो है कोर का एरिया है, ठीक है। ग्रॉस एरिया क्या हो गया, ग्रॉस एरिया हमारा पूरा सेक्शन का यानी कि ये टोटल पाई बाई फोर इंटू कैपिटल डी का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, ग्रॉस एरिया, ठीक है। और अगर अगर हम लोग यहां से कोर का एरिया अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, डीसी से यानी कि पाई बाई फोर इंटू डीसी का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा कोर का एरिया आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल रेनफोर्समेंट क्या हो जाएगा, तो ये इसकी वॉल्यूम ऑफ पहले कोर को देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोर क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोर जो होगा आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है हमारा पिच है, ये पिच हो गया और ये एरिया कितना है, पाई बाई फोर इंटू डीसी का स्क्वायर। कोर का वॉल्यूम लेना है तो कोर का जो मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे इंटू डिस्टेंस लेंगे, तो डिस्टेंस यानी कि पिच से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, हमारा कोर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो कोर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर इंटू डीसी का स्क्वायर इंटू पिच, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल रेनफोर्समेंट क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं स्पाइरल रेनफोर्समेंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम यानी कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे उसका, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, टू पाई आर, मतलब सॉरी वॉल्यूम की बात हो रही है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू मतलब लेंथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर इंटू डाया ऑफ स्पाइरल
का स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया हो गया इनटू लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ एक पिच लेंथ की बात हो रही है, एक पिच लेंथ में उसका लेंथ कितना हो जाएगा, पाई इंटू बीसी, जो पेरीमीटर है वही होगा ना, जो पेरीमीटर होगा हमारे कोर का वही उसका लेंथ हो जाएगा, क्योंकि एक पूरा पिच, एक पिच लेंथ में पूरा एक मतलब अपने सर्कमफेरेंस को घूमता है रेनफोर्समेंट स्पाइरल, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, इसका वॉल्यूम, ठीक है, एक पिच लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक पिच लेंथ में इतना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है इससे कम नहीं होना चाहिए, यही हमें चेक करना है, ठीक है। उसके बाद एजी की बात करें तो एजी क्या है, ग्रॉस एरिया, एजी इज ग्रॉस एरिया, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद एसी क्या है, एरिया ऑफ कोर, इसका वैल्यू जो है पाई बाय 4 इंटू डीसी का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है एफ वाई का भी वैल्यू है 415 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से अगर ये सब सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा जो अल्टीमेट लोड लेंगे यानी कि जिसके लिए हमें डिजाइन करना होगा 5% एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है। तो 5% एक्स्ट्रा यानी कि स्ट्रेंथ उसका क्या हो जाएगा, 5% इंक्रीज कर जाएगा, तो पीयू जो है अल्टीमेट लोड, पीयू जो अल्टीमेट लोड है क्या हो जाएगा, 1.05 इंटू रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगुलर का कितना था 0.4 इंटू एफसी के इंटू एसी प्लस 0.67 एफवाई इंटू एएससी, यही था ना, इसको क्या कर दिया हम 5% से इंक्रीज कर दिया। इसके लिए हम लोग डिजाइन कर लेंगे, बात बाकी डिजाइन स्टेप सारा वही रहेगा जो हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमने किया था, ठीक है। तो ये आपको समझने के लिए था, तो अब हम लोग एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और उस न्यूमेरिकल के हेल्प से हम इसको जानेंगे कि इसका डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आइए एक न्यूमेरिकल यहाँ पे करते हैं। ये एक आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक स्पाइरल कॉलम यहाँ पे डिजाइन करना है, उसमें स्पाइरल कॉलम का रेनफोर्समेंट डिजाइन करना है और इसमें दिया हुआ है डायमीटर, इसका कॉलम का जो डायमीटर है वो यानी कि रेक्टेंगुलर था तो उसका डायमेंशन दिया हुआ था विड्थ और डेप्थ, ठीक है। यहाँ पे स्पाइरल कॉलम है तो उसका डायमीटर दिया हुआ है यानी कि ये किसका डायमीटर है, जो हमारा पूरा सेल है यानी कि हमारा पूरा ओवरऑल जो है उसका डायमीटर है यानी कि ये, ठीक है, टोटल डायमीटर बाहर का कैपिटल डी है, ठीक है। सब्जेक्टेड टू फैक्टर्ड लोड ऑफ 2500 किलोन्यूटन, यहाँ पे फैक्टर्ड लोड दिया है तो यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। फैक्टर लोड दिया हुआ है, अनसपोर्टेड लेंथ 3.4 मीटर है और यहाँ पे देखिए एक बात यहाँ पे लिखा है, इट इज बेस्ड अगेंस्ट साइड स्वे, इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू ये जो है हमें हेल्प कहाँ पे करेगा, इसका जो हमारे पास जब इफेक्टिव लेंथ निकालना हो तो उसमें ये काम आएगा। ब्रेस्ट अगेंस्ट साइड स्वे है तो ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर देखिए कोई कॉलम है उसको ब्रेस्ट किया हुआ है साइड स्वे मतलब हम इधर उधर नहीं हो सकता है, तो इसको क्या किया जाता है, इस तरीके का रेनफोर्समेंट यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, इसी को हम लोग ब्रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से जो है देखिए दोनों तरफ क्या है, पिन सपोर्ट है, तो पिन सपोर्ट रहेगा तो उसमें एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एल के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो यहां से एल इफेक्टिव का वैल्यू एल के बराबर ले लेंगे और हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो यहां पे क्या होगा सॉल्यूशन इसका, क्या कैसे करेंगे, एल इफेक्टिव सबसे पहले क्या करेंगे, एल के बराबर यानी कि 3.4 मीटर एडॉप्ट मतलब ले लेंगे, कंसिडर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग एल बाई डी रेशियो, एल इफेक्टिव बाय डी का रेशियो निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3400 डिवाइडेड बाय 500 यानी कि ये आ जाएगा 6.8 लेस देन 12 है यानी कि शॉर्ट कॉलम है, ठीक है, इसको चेक कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे इसेंट्रिसिटी चेक करेंगे, मतलब प्रोवाइड करेंगे मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितना होगा, मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो है यहाँ पे 3400 डिवाइडेड बाई 500 प्लस 500 बाई 30, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये कर दिए तो इसका जो वैल्यू है ये आ गया हमारे पास 6.8 प्लस 16.67 तो ये आ जाएगा हमारे पास
23.47 ठीक है, रहेगा ना। तो इसका जो वैल्यू है लेस देन, नॉट लेस देन कितना होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू लेस देन होना चाहिए कितना, 0.05 इंटू लेटरल डायमेंशन कितना, 500 यानी कि 25। ठीक है, इससे कम है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है एसेंट्रिसिटी का भी, तो हम क्या करेंगे, जो अल्टीमेट लोड है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे स्पाइरल कॉलम है तो स्पाइरल के केस में 5% बढ़ा करके लेंगे, तो पीयू का को क्या करेंगे, पीयू जो है हमारा क्या आ जाएगा, 1.05 × 0.4 FCK × AC + 0.67 FY × ASC। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पीयू का वैल्यू कितना है, 2500 किलोमीटर। 2500 × 10⁻³ = 1.05 × 0.4 × FCK 25 है। ठीक है, और FY 415 है, एसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर, π/4 × 500² - इससे ASC से, ठीक है, माइनस ASC प्लस 0.67 × 415 × ASC। यहां से हम लोग ASC का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ASC का जो वैल्यू है यहां से अगर कैलकुलेट कीजिएगा आप, तो यह आएगा 1557.38 mm². ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद हमें चेक करना होगा मिनिमम और मैक्सिमम से के बीच में है या नहीं है। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में इसको रखने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा ये हमें निकालना होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ASC मिनिमम अगर निकालें, ASC मिनिमम कितना होना चाहिए, 0.8% 0.8/100 यानी कि 8/1000 कर देते हैं यहाँ पे, × π/4 × 500 × 500। ठीक है, इसको 2 × 4 = 4 यानी कि 500 पाई, 500 पाई का अगर वैल्यू निकालेगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा 1570.79 mm². और ये ASC है, ठीक है, ASC मैक्सिमम कितना आएगा, 6% 6 × π/4 × 500² ठीक है। इसको हम ये भी कर सकते हैं, एक तरीका और है इसको निकालने का, ये जो वैल्यू आएगा 1570/0.79 इसको डिवाइड करेंगे किससे, 0.8% से, 0.8 से डिवाइड कर दिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी कर सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू है ये आप निकालेंगे तो ये आएगा 11780.89 mm². ठीक है, तो इसका वैल्यू आप देख सकते हैं, देखिए यहां पे जो है मिनिमम 1570.79 है जबकि हमारे पास आया 1.5 यानी 1557 ही आया है। ठीक है, तो यहां पर जो है हम इसको क्या करेंगे, इससे ज्यादा, इससे मिनिमम से तो ज्यादा ही प्रोवाइड करेंगे ना, थोड़ा सा तो मिनिमम से ज्यादा ही प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ये हम अडॉप्ट यहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, 1557 यहां पे अडॉप्ट नहीं करेंगे, 1570 अडॉप्ट करेंगे, 1570 से 75-80 कर लीजिए या 1600 तक कर लीजिए, 1600 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम सिलेक्ट करेंगे हैंस अडॉप्ट, एट नंबर्स ऑफ 16 mm डायल बार, तो अगर ये हम अडॉप्ट किए तो ASC क्या आ जाएगा, 8 × 16 mm ना, तो 8 × π/4 × 16² अगर ये किए तो कितना आएगा हमारे पास, मिले देख लीजिए आप, ये जो है आपका 512 × π, इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा 1608.5 mm². ठीक है, 1608.5 mm², इसका वैल्यू हम 0.5 mm² का वैल्यू हम यहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हम लोग जो है इसको चेक करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं, ये देखते हैं,
ये हमने अडॉप्ट कर लिया यहाँ पे 1608.5। इसका वैल्यू कितना है 1608.5 mm². ठीक है, इसको चेक करना होगा। चेक करना होगा किसके लिए? डायर के लिए, नंबर ऑफ बार के लिए, स्पेसिंग के लिए, ये सब के लिए हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो डाया कितना होना चाहिए बार का? फर्स्ट क्या है, डाया और बार ग्रेटर देन 12 mm। ओके, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्गिट्यूडनल है ना, तो 16 mm हमने लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड है नंबर ऑफ बार कितना होना चाहिए? यहाँ पे सर्कुलर एनफोर्समेंट है तो सर्कुलर के लिए कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए मिनिमम। हमने यहाँ पे 8 लिया है तो एन कितना है? ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ये भी ओके है। उसके बाद क्या हो, स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग क्या है? तो स्पेसिंग देखिए, यहाँ पे स्पेसिंग के लिए हम देख रहे हैं, ये जो है आपका सर्कुलर एनफोर्समेंट 8 प्रोवाइड करना है, तो इसका पेरीमीटर आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो पेरीमीटर अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे हमने डीसी में देना है ना, तो डीसी के लिए यहाँ पे जो है पेरीमीटर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपको 5 mm, तो ये क्या मतलब, जो मैक्सिमम डाया था 500 mm, उसमें से 80 माइनस करना होगा। ठीक है, तो 80 माइनस कर दिए इसका, देखिए 500 mm में से 80 माइनस किए तो 420 आ गया। ठीक है, तो 420 अगर डाया है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पाईडी। तो पाईडी करेंगे तो 420 × π। ठीक है, 420 × π ये आ जाएगा आपके पास 1319। ठीक है, ठीक है, इसका पेरीमीटर हो गया। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, 8 एडजस्ट करेंगे। ठीक है, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये हमने एडजस्ट किया तो ये गैप कितना आ जाएगा, 1319 by ये कितना हो जाएगा टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो 1319 को अगर डिवाइड बाय 8 करें तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा 165 लगभग। लगभग इसका वैल्यू जो है 165 आएगा, यानी कि ये स्पेसिंग जो है इसका वैल्यू 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यानी हमारा 165 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एएसटी जो प्रोवाइड करेंगे हमारा मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए, तो मिनिमम था कितना 1570, मैक्सिमम बहुत ज्यादा था, मैक्सिमम था 11780, तो दोनों के बीच में 1608 आया है, 1608, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से एडॉप्ट कर लेंगे। अब बारी है जो स्पाइरल रेनफोर्समेंट है टाइल्स की, टाइल्स जो स्पाइरल के फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे तो उसका डिजाइन अब हमें कैसे करना है, तो उसका डिजाइन अब हम लोग करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बार तो हो गया, अब ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट यहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स के लिए क्राइटेरिया क्या है, इसका जो वैल्यू है 1/6 ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार का डाया यानी कि 16, तो ये लगभग आएगा 2.75 और 6 mm, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उतना लेना है, तो मतलब दोनों से लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे, हेंस अडॉप्ट 8 mm का क्या करेंगे, टाइस अडॉप्ट कर लेंगे, 8 mm डाया टाइस अडॉप्ट कर लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोर और बाकी सेल का डिजाइन करेंगे, तो डाया ऑफ कोर क्या हो जाएगा हमारे पास, डीसी क्या हो जाएगा, डीसी हो गया हमारे पास 500 - 80। ठीक है, ये तो 400 डीसी हो गया, प्लस इसमें से और देखिए डीसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ठीक है, डीसी यहां से यहां तक होता है, ठीक है। तो डी डी में से क्या करेंगे, डी में से अगर डी में से दोनों तरफ का कवर माइनस करना होगा, दोनों तरफ का कवर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस हो गया, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडनल बार है दोनों तरफ, तो लॉन्गिट्यूडनल बार कितना है 16 एमएम का, तो उसका रेडियस एक साइड से प्लस इसका रेडियस एक साइड से, तो टोटल कितना माइनस हो जाएगा 16, ठीक है, माइनस कर देंगे 16, ठीक है। और इसमें हमने जो हेलिकल रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, हेलिकल का कितना डायमीटर है 8 एमएम का, तो दोनों साइड से 8 एमएम भी यहां पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 8 + 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 4 × 3 = 6 mm, कोर का डायमीटर 4 × 3 = 6 mm हो गया। अब इसके बाद हम लोग उसको देखेंगे कि जो हमने वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेइंफोर्समेंट लिया था डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर किया था, उसका वैल्यू 0.36 × FCK / FY था ना कुछ, तो उसका जो वैल्यू है 0.36 × FCK / FY (AG/AC), ठीक है, माइनस वन, इससे लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें करना होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा πDC × π/4 ×8² डिवाइडेड बाय, ये वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेइंफोर्समेंट हो गया πD, πD क्या हो गया इसका पेरीमीटर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक पिच लेंथ की बात कर रहे हैं, तो एक पिच लेंथ में उसका पेरीमीटर ही होगा, उसका कोर का जो वॉल्यूम है वो, तो कोर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कोर का जो वॉल्यूम है ये हो जाएगा π/4 × DC² ये हो गया एरिया इंटू पिच लेंथ, ठीक है, ठीक। इसका जो वैल्यू है नॉट लेस देन 0.36 × FCK, FCK कितना है, FCK था ना 0.36 × FCK / FY, FY 415 × AG कितना था, AG अगर करें तो AG क्या हो जाएगा π/4 × DC² डिवाइडेड बाय, सॉरी कोर है ना, मतलब एजी है तो ग्रॉस डाया, तो π/4 × D² डिवाइडेड बाय π/4 × DC², ठीक है, माइनस वन, तो π/4 कैंसिल हो गया, तो इसका जो वैल्यू है 0.36 × 25/415 × ये डी का वैल्यू 500² डिवाइडेड बाय 436² माइनस वन, ठीक है। और बाकी इधर भी सबका वैल्यू हमें पुट करना होगा, सबका वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, डीसी से एक डीसी कैंसिल कर देंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो यहां से पाई नहीं करेंगे, पाई बाय फोर से पाई बाय फोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 64 × π डिवाइडेड बाय π, ठीक है, p × DC, डीसी कितना है 436, तो सब वैल्यू नोन है, ये सिर्फ पिच अननोन है, तो इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा, यहां से अगर सब कुछ का वैल्यू 64 π डिवाइडेड बाय p × DC करेंगे, p × 436, नॉट लेस देन, ये वैल्यू कितना हो जाएगा अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 0.36 × 25/415 × 500² × 500² / 436² माइनस वन, × 25/415 × 500² / 436² - 1,
ये जो है हमारा 6.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 6.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ये आ रहा है। तो यहां से अगर कैलकुलेट करें तो पिच का जो वैल्यू है, पिच को इधर चला जाएगा पिच, तो ये नॉट ग्रेटर देन होना चाहिए 67.47, ठीक है, पिच का वैल्यू 67.47 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पिच का जो क्राइटेरिया होता है, पिच हेलिकल एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो पिच का जो क्राइटेरिया होता है वो कैसा होता है, पिच का वैल्यू 75 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये तो आया ही हमारे पास, इसको भी सेटिस्फाइड करना होगा। उसके बाद पिच का वैल्यू 1/6 ऑफ 436 यानी कि डीसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये जो है ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 72, ठीक है। और पिच का वैल्यू 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, और पिच का वैल्यू 3 × 8 mm यानी कि 24 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के बाकी सभी को सेटिस्फाइड करते हुए जो है यहाँ पे 75 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और 67.47 से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बोल रहा है कि 25 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबको यहाँ पे सेटिस्फाइड करते हुए अगर हम यहाँ पे 67 से कम और 25 से ज्यादा, तो अगर हम यहाँ पे अडॉप्ट कर लें, अडॉप्ट पी इक्वल टू 65 mm, अगर यहाँ अडॉप्ट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे 65 mm का पिच जो है ये पिच होगा, इसको हम लोग 65 mm अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने डीसी यहाँ पे ले आया, डी तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, डीसी हो गया, डी हो गया, और जो हेलिकल एनफोर्समेंट का डाया था वो भी हमने 8 mm का ले लिया, लॉन्गिट्यूडनल बार यहाँ पे 16 mm का प्रोवाइड किया है हमने, तो लॉन्गिट्यूडनल बार हो गया। और उसके बाद ट्रांसवर्स भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया हम यहाँ पे, डीसी को भी हमें मिल गया, यानी कि कोर भी हमें मिल गया, पिच भी हमें मिल गया, तो अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पे निकालने के लिए। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे हेलिकल रेनफोर्समेंट यानी कि हेलिकल रेनफोर्समेंट का यूज करके ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के फॉर्म में हेलिकल रेनफोर्समेंट का यूज करके एक हेलिकल जो स्पाइरल कॉलम था, सॉरी स्पाइरल कॉलम जो था वो हमने यहाँ पे एक डिजाइन किया, ठीक है, शॉर्ट कॉलम, स्पाइरल में शॉर्ट कॉलम हमने यहाँ पे डिजाइन किया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना मैं आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज, और शेयर भी कर दीजिए बाकी दोस्तों के साथ, आपके जितने सारे दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को प्लीज लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज जो है हमारा कॉलम यहाँ पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट डे यानी कि कल से हम लोग फुटिंग स्टार्ट करेंगे, और फुटिंग हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।